साठे कॉलेज मुंबई के छात्रों का डेलीगेशन बुधवार को अर्थ प्रकाश के ऑफिस पहुंचा, जहां उन्होंने पत्रकारिता की बारीकियां को जाना। डेलीगेशन एजुकेशनल टूर के तहत आया, जिसमें मास मीडिया की पढ़ाई कर रहे 100 से अधिक छात्र और छात्राएं शामिल थे। उसके साथ कॉलेज का स्टाफ हुआ शिक्षक भी मौजूद थे। अर्थ प्रकाश के एडिटर इन चीफ महावीर जैन ने डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने छात्रों द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े सवालों का भी बेहद सरल तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी और जिज्ञासा ही पत्रकारिता का मूल तंत्र है। किसी भी पत्रकार में इन दोनों का समावेश उसे पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे ले जा सकता है। सबसे बड़ी बात है पेशेंस, जर्नलिज्म। आजकल जो कि पेशेंस बहुत कम होती जा रही है, जितनी पेशेंस रखोगे उतने आगे बढ़ोगे, मेरा मतलब मानना ही है। सर, लेकिन डे टू डे जब न्यूज होती है, मतलब आज कुछ होने वाला है और कल हमको खबर देनी है, तो मतलब इस दौर में कितने तेज है आप, क्योंकि कॉम्पिटिशन वैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो किसी जर्नलिस्ट को अगर आगे रहना है तो उसके कौन सी चीजें अपने साथ लेके चलना पड़ेगा? भैया ऐसा है, जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है पहले बताइए आप। लोगों तक इंफॉर्मेशन जैसी इंफॉर्मेशन तो आजकल मोबाइल पे कोई भी पहुंचा देता है। जर्नलिस्ट क्या हुआ? जर्नलिस्ट का मतलब है उसका एक नजरिया अलग होगा। जर्नल से शब्द बना है जर्नलिस्ट, ठीक है ना, कि आप किसी चीज को ऐसे पेश करो जो आम आदमी को अपने काम के लगे। किसी के काम का कारोबार है, किसी के काम का राजनीति है, मेरा इंटरेस्ट राजनीति में, तो मैं कारोबार नहीं देखूंगा, कल्चर नहीं देखूंगा, बट जर्नलिस्ट उसको ऐसे पेश करेगा कि वो जनरल काम की चीज हो जाए। सबसे बढ़िया चीज ये है। दूसरी जर्नलिस्ट में जरूरी है क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज को देखने की। आज की डेट में क्या है, सोशल मीडिया इतना हावी है, किसी ने कुछ देखा वो जस का तस उसने दो चार लोगों से बात कर ली, क्या हुआ जी, जस का तस उसने सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया उसको। पहले क्या था, अखबार था, सिर्फ अखबार था, टीवी नहीं था, तो आराम से दिन भर कलेक्ट करते थे न्यूज, हम शाम को उसको परोसते थे, उनसे खेलते थे, बनाते थे और अगले दिन लोगों के पास पहुंचते थे। टीवी आया, ब्रेकिंग चलनी शुरू हुई। हमारा काम, अखबारों का काम जो है, जर्नलिस्टों का काम थोड़ा कम होता गया उसको, क्यों, स्ट्रिंगर्स रखी है सब जगह, तो जो भी हो रहे जस का तस उसको लाइव पेश कर रहे हैं। तो जर्नलिस्टों को क्या करना पड़ता है, उनकी मेहनत बढ़ गई है, उसमें क्यूरियोसिटी होना जरूरी है कि क्या ये सच है या झूठ है, सच है तो कितना सच है। जब तक आप मथेंगे नहीं उस चीज को, तब तक आप उसको परोस नहीं सकते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन था कि जर्नलिस्ट की सबसे जरूरी क्या है, तो क्यूरियोसिटी है। आज के दौर में जो चैलेंजेस आपके सामने हैं कि खबर की सच्चाई क्या है, खबर कितनी पुख्ता है, ये आपको पेश करना है लोगों के सामने। बीइंग अ जर्नलिस्ट, न्यूज देखोगे तो उसमें ज्यादा मसालेदार रहते हैं सब कुछ, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज कुछ ज्यादा नहीं रहता, तो क्यों रहता है? आज की डेट में नॉर्मली जो न्यूज चैनल है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया वेब मीडिया है, चैनल को चलाने के लिए आप जर्नलिज्म कर रहे हो, है ना, तो आपको भी खाना कमाना है, ठीक है, अच्छी नौकरी होगी। आजकल क्या जर्नलिज्म में क्यों आ रहे हैं लोग, काम के लिए। पहले होता था मिशन, अब जर्नलिज्म हो गया कमीशन बेसिकली। आई मीन टू से कि आपको पैसा तो चाहिए ना चलाने के लिए, अखबार भी चलाना है आपको, चैनल चलाना है, अगर पैसा नहीं होगा तो उसमें क्या है, आपको 24 घंटे न्यूज पोस्टनी है, लोगों को 24 घंटे जोड़े रखना है। तो आप कितना देख लोगे एक टाइम पे, अखबार तो आप पढ़ लोगे, 5-6 पढ़ लोगे ज्यादा, और चैनल तो एक टाइम पे एक ही देख पाओगे, तो जहां आपको एक्साइटमेंट लगेगी, क्योंकि जिंदगी भाग दौड़ वाली होगी, किसी के पास टाइम ज्यादा नहीं है कि आप बैठ के शांति से सुनो, तो जहां पर ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, ज्यादा सनसनी होगी। तो बेसिकली ये जर्नलिज्म के खिलाफ है उसूलों के, कि हमारा जो काम है वो सनसनी फैलाना नहीं है। छापने के लिए दिए रहेंगे और फिर आपको ऊपर से कुछ ऑर्डर आ रहेंगे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, वैसे प्रेशर में आप कैसे संभालेंगे? उसके लिए ऐसा होता है कि हम उसको छापेंगे, जब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा छापेंगे, तो उसको भी हम एक जर्नलिस्ट में छापेंगे कि आम पाठक के वो काम का लगेगा, और ये नहीं होगा कि वो पेड करके छापेंगे उसको। अगर हम पेड करके छापते हैं किसी की पेड न्यूज, उसको ADVT एडवर्टाइज लिख देते हैं उसमें। वैसे नहीं, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हो या फिर कुछ क्राइम होता हो, क्योंकि उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय समाचार मतलब ये जो न्यूज पेपर है वो आपका है, तो इसके वजह से जो प्रोटोकॉल ऊपर से आते गवर्नमेंट से कि आप ये ऐसा क्राइम हो गया है तो आप ये मत छापो, ऐसा प्रोसेस नहीं अभी तक तो आया नहीं कभी। मतलब उसका मानना है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित अगर किसी ने
कोई क्राइम किया है ना कोई गुनहगार है तो वो नहीं छापना, ऐसे कुछ हुआ है? अभी तक हुआ नहीं, अभी तक आया नहीं है कभी। हर मंथ की आपने काफी यहाँ पे डिपोजिट करानी करानी है, पहले क्या था एक एक पब्लिकेशन में 10-10 एडिशन निकाल रहे थे जो अभी निकाल रहे हैं, तो उसी पे अंकुश लगाने के लिए सरकार भी काफी सख्ती से काम कर रही है और वही कारण है जो बंद होने का कारण। हम सर्जे कॉलेज के डीन स्टूडेंट है, हम यहाँ पर इंडस्ट्री विजिट किया है, इंडस्ट्री विजिट के लिए आए थे। यहाँ पर आके हमें यह देखने मिला कि पेपर कैसे छपता है, उनका प्रोसेस क्या होता है, कितने पेपर कितना सर्कुलेशन है, वो किस तरीके से छपता है, बस आप जो पेपर छापा जाता है उनके ऊपर क्या प्रेशर होता है, क्या नहीं होता है, क्या छापना है क्या नहीं छापना है, पेपर डेली सर्कुलेशन के हिसाब से या पेपर का सर्कुलेशन कैसा बढ़े, प्रिंट मीडिया आजकल पीछे होते जा रहे हैं। इस डिजिटल दुनिया में प्रिंट मीडिया को इस पेपर ने अपने अर्थ प्रकाश ने कैसे अभी तक प्रिंट मीडिया आप टिके हुए हैं, तो हमें यहाँ पर आके अच्छी तरीके से देखने मिला और समझने मिला। हम अपने आगे के भविष्य के लिए यहाँ से बहुत कुछ सीखे जा रहे हैं। स्टूडेंट हूँ BMM की और मैं बॉम्बे से आई हूँ इधर, और ये प्रिंट मीडिया अर्थ प्रकाश का जो न्यूज है वो प्रिंटिंग देखने के लिए हम लोग इंडी से विजिट करने आए। वो सर इधर का एक्सपीरियंस अच्छा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग फर्स्ट ईयर के हैं, तो हम लोग का फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है कि कैसा होता है, हम लोग को भी देखने की बहुत ये थी। तो अभी देखा है, अभी फिलहाल तो अच्छा लग रहा है देख रहे हैं, अभी आगे काम करना है तो इसकी पूरी जानकारी लेनी है हम लोग को, इसके लिए हम लोग आए थे। मैं एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट करने वाली हूँ सो जनरली, लेकिन सुन के अच्छा लगा कि डिजिटल और इसमें मोस्ट ऑफ पब्लिक अभी डिजिटल यूज करती है। जेंद्र देवड़ा, साठे कॉलेज, विले पार्ले, मुंबई। हम लोग साठे कॉलेज मुंबई से आए हैं और पत्रकारिता के सभी विद्यार्थी हैं यहाँ। अंडर ग्रेजुएट कोर्स से जो 12वीं के बाद होता है वहां से लेकर तो मास्टर डिग्री कोर्स तक के 5 साल के अलग बच्चे हैं यहाँ। 150 बच्चों के साथ हम लोगों ने आज यहाँ अर्थ प्रकाश को जो है वहाँ भेंट दी और पूरा इसका कामकाज का तरीका जो है वो जाना, साथ ही जो प्रबंध संपादक है जो अभी एडिटर इन चीफ है श्री महावीर जी जैन, उनके साथ भी जो है हम लोगों ने वार्तालाप किया। बच्चों ने अपनी शंकाएं अपने सवाल जो है वो पूछे और उन्होंने बखूबी उन सबका जो है वो जवाब दिया। यह सभी जानकारी जो है इन पत्रकारिता के बच्चों को जो है वो बहुत फायदेमंद रहेगी और निश्चित ही इनके भविष्य में इन सभी जानकारी का जो है वो सदुपयोग होगा। आजकल जहां बहुत ज्यादा पत्रकारिता में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा अनीति चलती है या बहुत ज्यादा पेड न्यूज का दौर आ चुका है और दूसरी ओर पूरा व्यावसायिकता जो है वो छा गई है या डिजिटल मीडिया से जो है वो प्रिंट मीडिया जूझ रहा है, वहां अर्थ प्रकाश ने अपनी खुद की एक पहचान बना रखी है, अपनी खुद की छवि बना रखी है और निष्पक्ष पत्रकारिता का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण जो है वो पेश किया है। ये हम सबके लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों के लिए, पत्रकारों के लिए और विद्यार्थियों के लिए जो है वो बहुत ऊंची और लाभदायक बात है, एक नीतिप्रद बात है, एक शिक्षाप्रद बात है।